पिताश्री, ये पिताश्री भी न जाने कहां कहां चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। बस ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इसी का नाम परिश्रम है। यूं कमंडल फेंकने से कोई लाभ नहीं होता। परिश्रम का दूसरा नाम तपस्या है। पिताश्री तपस्या करने गए हैं, हमारी तपस्या भी कठोर है, तो फिर चले तपस्या करने। आले कमंडल, मेरा मतलब है चल के ढूंढते हैं, परिश्रम करते हैं। आओ चलें। जयति गुरु शुक्राचार्य। पिताश्री, ये पिताश्री नहीं है, पिताश्री के भी पिताश्री है, इस संपूर्ण जंगल के पिताश्री है, वनराज सिंह की दहाड़ है। बहुत ही तपस्या हमारे काल के मुख में नहीं है, पर पिताश्री को तो ढूंढना ही पड़ेगा, प्रहलाद को दैत्य शिक्षा दिलवानी ही पड़ेगी, नहीं तो परिश्रम पूरा नहीं होगा। चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। पिताजी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कहाँ कहाँ ले ढूंढा पिताजी, कहाँ कहाँ देखे। निर्बुद्धियों, मूर्खों, तुमने हमारी मंत्र सिद्धि की सारी साधना विफल कर दी, क्या आवश्यकता थी तुम्हें यहाँ आने की? हम तुम्हारे इस अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे, हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर स्मरण रखोगे। पिताश्री, यदि हम इस समय यहाँ पर नहीं आते तो भी आप हम पर क्रोधित अवश्य होते। क्यों? क्योंकि जिस प्रहलाद की शिक्षा का दायित्व तो आपने हमें सौंपा है, उससे शिक्षित करना हमारे वश में नहीं है। वो तो स्वयं हमें पढ़ाता है, उसके हृदय में दैत्यों के प्रति तुलनीय भी सम्मान नहीं है। वह तो विष्णु और विष्णु भक्ति के गुण गाता है। ऐसी ऐसी विचित्र बातें करता है जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन है पिताश्री। दैत्य शत्रु नारद ने उसे भ्रमित कर दिया है। हमें ज्ञात हो गया है कि नारद ने ही कयादु को इंद्र के हाथों से बचाकर उसे अपने आश्रम में शरण दी थी। उसी ने विष्णु भक्ति का गुणगान करके गर्भस्थ बालक प्रहलाद को उस भक्ति से संस्कारित किया था। तो अब क्या होगा पिताश्री? इन अमंगलकारी संस्कारों से प्रहलाद को मुक्त कराने के लिए हमें विशेष प्रयास करना होगा। तो अब आप हमारे साथ आश्रम चलें? हाँ पिताश्री, आप हमारे साथ आश्रम चलिए, आपके चलने से ही स्थिति नियंत्रण में आएगी। कैसे चलें? पर अब यहां रहकर भी क्या करेंगे? मंत्र सिद्धि की साधना विफल करके तुमने अनर्थ कर दिया। हमें आशंका है कि कहीं दैत्यों पर कोई विपत्ति ना पड़े। चलो शीघ्र मत शीघ्र चले पिताश्री। हरी हरी दैत्यों के कुल में जन्म लेकर तू देवताओं का गुणगान कर रहा है, दैत्य बालकों को भी उल्टा पाठ पढ़ा रहा है। तुम्हें यहाँ दैत्य कुल की शिक्षा के लिए लाया गया है और तुम्हें वो शिक्षा लेनी पड़ेगी। चल। बालक प्रहलाद के सात्विक विचार, पवित्र भावना और विष्णु भक्ति से असंतुष्ट व क्रुद्ध होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे वो विष्णु भक्ति से विमुख होकर दैत्य संस्कृति से प्रभावित होकर दैत्य वृत्ति की ओर उन्मुख हो जाए। इन्हीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रेरित
और प्रोत्साहित होकर हिरण्यकश्यप अपनी सेना सहित निर्दोष प्राणियों व ऋषि मुनियों को पीड़ित भयभीत और आतंकित कर जय घोष के मध्य पुनः अपने महल में प्रवेश करता है। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। प्रणाम माता। चिरंजीव दैत्य कुल के वीर सैनिकों, तुम विजयी होकर लौटे हो, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने देवताओं को अपना दास बना लिया है, इसलिए मैं इन्हें भी बधाई देती हूँ। दैत्यराज ने विष्णु भक्तों को दंडित किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों में दैत्य प्रथा को प्रचलित किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। मेरी यही आशा है कि भविष्य में भी दैत्यराज इसी प्रकार अपने शत्रुओं को पराजित करते रहेंगे और पराजित करके उन्हें समाप्त करते रहे। दैत्यराज, तुम्हारा ये दुष्ट पुत्र हमारे शत्रुओं का पक्षधर बनकर उनके पक्ष में और हमारे विपक्ष में बोलता है। क्या हुआ गुरुवर? ये दैत्यों को अहिंसा, दयादान, धर्म तथा विश्व भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? वही कह रहा हूं जो सत्य है। इतना ही नहीं, इसने हमारे आश्रम को, हमारे दैत्य आश्रम को विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार केंद्र बना दिया है। फिर अब हम क्या करें गुरुवर? तुम्हें इसे दंडित करना होगा। आप व्यर्थ क्रोधित और उत्तेजित होकर स्वयं को कष्ट क्यों दे रहे हैं आचार्य? ओम हरि। किंतु यह तो सत्य है कि आपके कहने पर असत्य सत्य तो नहीं हो जाएगा। मुझे लाज आती है, पीड़ा होती है सिर्फ यह देखकर कि हमारे कुल गुरु एक बालक के प्रति इतनी कठोर और असत्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ते दुष्ट, तेरा ये दुस्साहस, अब हम तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। तनिक ठहरिए दैत्य गुरु, हम प्रहलाद से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या दैत्य गुरु असत्य कह रहे हैं? क्या तुमने दैत्य गुरु के आश्रम में हमारे शत्रु विष्णु की भक्ति का प्रचार नहीं किया, उपदेश नहीं दिए? कृपया उनके प्रति शत्रु भाव को त्याग कर दे पिताश्री। इससे क्या होगा प्रहलाद, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं दैत्यों के मन से बैर भाव मिटाकर उन्हें सबका मित्र बनाना चाहता हूँ पिताश्री। और मित्रता की भावना मन में तभी दृढ़ होगी जब भगवान विष्णु हृदय में विराजमान होंगे। भगवान विष्णु को अपना शत्रु बनाकर दैत्य गुरु समस्त दैत्य जाति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं पिताश्री। कुल कलंक, अब हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे।